दीपावली की रात और फेमस कॉमेडियन राजपाल यादव ने सभी से मांगी माफी। क्या वजह हो सकती होगी, आइए इस बारे में बात करते हैं। जी हाँ, आप सबको पता ही है देश भर में भूल भुलैया 3 रिलीज हो चुकी है, लेकिन दिवाली की रात राजपाल यादव ने हाथ जोड़कर सभी से मांगी है माफी। वीडियो भी उससे जुड़ा वायरल हुआ है, इसके पीछे का कारण हम जरूर बताएंगे। दरअसल एक तरफ जहां फिल्म को लेकर चर्चा रही, वहीं राजपाल के हाथ जोड़ने को लेकर, माफ़ी मांगने को लेकर लोग हैरत में पड़ गए। दरअसल उन्होंने माफ़ी मांगते हुए जो कहा उसी बारे में बताते। वीडियो में उन्होंने कहा, नमस्कार साथियों, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी 2 दिन पहले ही मेरे सोशल मीडिया से एक वीडियो डाला गया जिसे मैंने तुरंत ही हटवा दिया। इस वीडियो से देश दुनिया में जिस किसी भी भावना आहत हुई तो मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ। अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें। एक्टर ने लिखा, मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ। मेरा मकसद दिवाली की खुशियों को कम करना नहीं था। दिवाली हमारे लिए खुशियों रोशनी का पर्व है, इनसे सबके लिए खूबसूरत बनाना ही हमारा असली त्यौहार। आप सबको ढेरी शुभकामनाएं, प्यार। चलिए इस दिवाली को मनाते हैं खास। अब राजपाल यादव ने क्यों लिखा होगा ये भी बता दें, कुछ दिन पहले उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था दिवाली से पहले। उन्होंने कुछ ऐसा कहा बिना कुछ कहे जिससे लोग फैंस उनकी काफ़ी क्लास लगा बैठे थे। पटाखे जलाने को लेकर मना किया था उन्होंने, कहा था जानवर बहुत डरते हैं, एयर पॉल्यूशन होता है, आस पास नॉइज होती है, इन सब के बगैर भी दीपावली मना सकते, इसलिए प्लीज़ नो। इसी पर फैंस ने उनकी क्लास लगाई। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में तृप्ति।